हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी फार्मेसी में। आज मैं आपको एक कैप्सूल लाइकोकिन जो कि मल्टी विटामिन है इसके बारे में बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, ये जो कैप्सूल है मार्केट में बहुत सारे नामों से अवेलेबल है, लेकिन एक लाइकोकिन नाम से कैप्सूल आता है। लाइकोकिन पड़ा हुआ है, मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल्स है, एंटी ऑक्सीडेंट्स है। दोस्तों ये कैप्सूल मल्टी विटामिन, जैसे हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की मिनरल्स की विटामिन की कमी हो जाती है उसे पूरा करता है और फास्ट रिकवरी करने में मदद करता है। ये क्या होता है कि हमारे हेल्दी लाइफ को मेंटेन करके रखता है। बेसिकली इसमें लाइकोपेन पड़ा हुआ है। लाइकोपेन क्या काम करता है दोस्तों? लाइकोपेन हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है। और दूसरी बात, जैसे हमारे बॉडी में किसी प्रकार की डाइजेशन प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है, तो भूख लगने में भी बहुत बड़ा इसका योगदान है। दोस्तों लाइकोपेन मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स है। जैसे कि कोई भी बीमारी होती है तो उसमें डॉक्टर्स लोग लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे कोई भी मेडिसिन साथ में इसमें चलती है, तो इन मेडिसिन से कोई रिएक्शन ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मल्टी विटामिन्स मल्टी मिनरल्स एंटी ऑक्सीडेंट मेडिसिन चलाते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट पड़ा हुआ है, जैसे कोई भी रिएक्शन करती है, कोई भी क्रिया करती है, तो उसे रोकती है और उसे मेंटेन करने में मदद करता है। क्योंकि बेसिकली दवाइयाँ क्या हैं, केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो दोस्तों कोई भी बीमारी हो तो आप मल्टी विटामिन कैप्सूल लेना ना भूलें। हाँ दोस्तों, ये जो कैप्सूल है किसी भी बीमारी में साथ में दिया जाता है। जैसे कोई टाइफाइड है, फीवर आ रहा है, मलेरिया है, और जैसे हाफी सी आ रही है, वीकनेस सी है, कमजोरी है, नसों में खिंचाव है, किसी भी बीमारी में ये उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि कोई ना कोई विटामिन्स मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसमें डिजीज आती है। तो दोस्तों इस कैप्सूल को डेली एक बार खाना है दोपहर में, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर दो बार भी कर सकता है। वैसे बेसिकली अगर आदमी खाना चाहे तो एक बार ही चलता है। हाँ दोस्तों, अपने डेली लाइफ में से यूज़ करने के लिए, इसमें अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा समय से भी ले रहे हैं ना, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हैबिचुअल मेडिसिन में नहीं आती, अगर ये आपकी आदत पड़ने वाली दवाइयाँ नहीं हैं। इसे आप कभी भी ले सकते हैं और कभी भी इसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसमें आल पे जाकर आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले कोई वीडियो नया आता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पता चल जाए। थैंक यू।